नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हिंदी सिनेमा की 100 साल की यात्रा में अगर ऑल टाइम टॉप गानों की लिस्ट निकाली जाए तो चंद धुने और शब्द दिमाग में घूम जाएंगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, जीने के लिए सोचा ही नहीं, किसी की मुस्कुराहटों जैसे कुछ गानों ने समय के चक्र के फेर को बदल दिया है। ऐसा ही एक गाना साल 1998 में आई फिल्म दिल से में गुलजार की कलम से फूटा था। इस गाने में गुलजार ने सुहाग रात के दिन दुल्हन के मन में चल रहे रहस्य और उसके खूबसूरत एहसासों की कहानी बयां की है। लेकिन इस गाने की खास बात यह है कि इसमें एक भी शब्द भद्दा और अमर्यादित नहीं है। गाना जिया जले में गुलजार ने सुहाग रात के एहसासों की ऐसी तस्वीर पेश की है कि संगीत की दुनिया में एक मिसाल बन गई। इस गाने के जरिए पहली बार लता मंगेशकर और A.R. रहमान ने साथ काम किया था। इस गाने में लता मंगेशकर ने सुरों का ऐसा जादू फूंका कि 26 साल बाद भी इस गाने का खुमार लोगों के मन से नहीं उतरा। इस गाने का म्यूजिक ऐसा है कि मन को मोह लेता है। इस गाने की कहानी खुद गुलजार ने बताई थी। गुलजार के गानों पर किताब लिखने वाले ट्रांसलेटर नसरीन मुन्नी कबीर को गुलजार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने इस गाने को सुहाग रात पर दुल्हन के जज्बातों की तस्वीर कैद करने के लिए बनाया था। हालांकि इस गाने में एक भी शब्द भद्दा और अभद्र नहीं था, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि अगर गाने में एक भी अपशब्द होगा तो लता जी गाना नहीं गाएंगी। मैं सुहाग रात को बहुत सभ्य अंदाज में नहीं लेता, मैं बस सुहाग रात के जज्बातों की तस्वीर खींचना चाहता था। इसके लिए कुछ शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया जिनमें से मसले फूलों जैसे शब्द शामिल रहे। रात भर बेचारी मेहंदी पैरों तले पिसती है, इसका अर्थ दो प्रेमियों के बीच संबंधों को दर्शाना था। साल 1998 में आई फिल्म दिल से में इस गाने को इस्तेमाल किया गया था। डायरेक्टर मणि रत्नम की इस फिल्म में A.R. रहमान ने संगीत दिया था और लिरिक्स गुलजार ने लिखे थे। फिल्म में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म का गाना जिया जले सुपरहिट रहा था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक 11 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म ने भारत में 18 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि फिल्म को फ्लॉप का टैग दे दिया गया है, लेकिन फिल्म के गाने का खुमार 26 साल बाद भी लोगों के मन से नहीं उतरा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।